है नहीं है। देखो इसमें क्रिकेट का अता पता नहीं है, बस स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बजे हैं 12:50, मतलब 1 ही बजे है, मान लो 1 बजे है, और अभी चल रही है पढ़ाई कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि 3 तारीख को पेपर है फिजिकल एजुकेशन। पूरे साल तो कुछ किया नहीं, बस क्रिकेट खेलता गया, प्रैक्टिस करता गया, मैचेस होते गए, पूरा साल कुछ किया नहीं, बस यही जो होता है। फरवरी के 20 तारीख से लेके मार्च के 20 तारीख तक पूरा 1 महीना पूरे अच्छे से पढ़ना होता, रट्टे मारने होते हैं, तो वही काम चालू है अभी। और 12वीं के पेपर तो बोर्ड्स के स्ट्रेस शायद 20 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। तो वीडियो अगर कोई 12वीं क्लास के भैया देख रहे हैं तो उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बोर्ड्स एग्ज़ाम, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो एवरेज लाओ, वो भी ठीक है हमारे लिए। तो पढ़ते हैं अभी ओलंपिक के बारे में, थोड़ा पढ़ रहे हैं। यार एक चीज़ अच्छी नहीं लगी है फिजिकल एजुकेशन में, क्रिकेट के नाम पर कुछ नहीं, ब्लाइंड क्रिकेट है वो भी चैप्टर, तो मतलब है नहीं शायद ब्लाइंड क्रिकेट भी, वो तो प्रैक्टिकल में था ब्लाइंड क्रिकेट, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। देखो इसमें क्रिकेट का अता पता नहीं है, बस स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन। क्रिकेट होता तो भाई यार फुल मार्क्स आते फिजिकल एजुकेशन में मेरे तो। मैंने फिजिकल लिए इसलिए लिए कि हमने सोचा था खेल कूद होगा, ये होगा, भागा दौड़ रेस वगैरह होगा, तो मैंने इसलिए फिजिकल लिया था, मुझे कोई क्लास ही लेने का। अब ले लिया, क्या बोलूँ इनको यार, अब यार फिजिकल तो ले लिया है, क्या करते हैं पढ़ लेते हैं, ईजी है तो करते भी थोड़ा याद वगैरह करते, फिर मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी आ चुका घर से फोन और फिर खाना खाने, वो पढ़ाई तो मैंने थोड़ी कर ली है, मतलब मान के चलो 1.5 घंटा किया पढ़ाई, 1.5 घंटा हाँ 1.5 घंटा किया। और लेके जाना पड़ेगा बैग, क्योंकि आज भी काम पे, मतलब क्या होता रोज काम में चला चला, कल के ब्लॉग में हम जहाँ गए थे हमें वहीं पे फिर से जाना पड़ेगा कुछ काम से, पापा तो नहीं जा पाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा, तो चलते हैं घर पे खा को के हम सीधा निकल जाएंगे, वहीं के लिए निकल जाएंगे, तो हम चलते सीधा घर। तो गाइस मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं प्रैक्टिस के लिए भी एक बार भी रेडी होके वहाँ पे मार्केट जाऊँगा, मार्केट से आके सीधा प्रैक्टिस में निकल जाऊँगा, हैं दुकान पे जाएंगे, ये रखेंगे, रखने के बाद हम जाएंगे मार्केट, फिर वहाँ से आके ये लेके सीधा प्रैक्टिस, तो मैं रेडी हो गए और चलते सीधा मार्केट। तो गाइस काम वगैरह सब हो चुका है और अभी 3:15 कुछ हो रहा है और प्रैक्टिस पे जाने का टाइम
30 पे, तो 15 मिनट पे पहुंच जाएंगे और प्रैक्टिस पर मैं इसका सीधा प्रैक्टिस सीधा मिलता हूँ प्रैक्टिस पे, या प्रैक्टिस में मैं अगर वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं वीडियो भी बना लूँगा प्रैक्टिस पे, तो मैं सीधा मिलता हूँ सीधा प्रैक्टिस पे। और रहन, स्कूटी चलानी जब नहीं आती, क्यों चला रहा है? आती है। अरे आती नहीं है, हैंडल का लॉक नहीं खोलना तो स्कूटी चलानी है तो रहन दे यार। और सीनियर का स्टार्ट करा है बाकी की? हाँ पता मुझे। अरे यार बता मुझे यार, तो यार मुझे सिखा रहा है। हैंडल का लॉक नहीं खोलना तो और मुझे पर लेन दे यार। उसमें क्या क्या पढ़ने वाली चीज है? हाल पढ़ा रही, अब ये पढ़ रहा है। ओए यार वो खोल दे यार बस। वो क्या खोलना है? हैंडल लॉक खोला ही तो है। हाँ तो फिर क्या बोल रहा है फिर तू? बस चालू तो होगी है देख। अरे ऐसे थोड़ी होता है, चलाने भी ना चाहोगी और भी मत कर भाई। ओ वो भाई रहने दे, अगर इसने भाई जान रेस मार दे ना उधर उधर जाएगी सब पीछे कर लेंगे। ओ अभी बंद रखियो ये, बंद रख तो भी इसको। हां ये हां मैं लगते है, चल पीछे कर। तो अभी रात हो गई है और गाइस अभी प्रैक्टिस खत्म हो गई है और ये अभी यार स्कूटी चलाने का ट्राई कर रहा है लेकिन उसको आती जाती नहीं, ये पीछे नहीं कर पा रहा स्कूटी। कहाँ से स्कूटी चला कर रहा तू? हाँ भाई नहीं चला पाएगा। हाँ भाई यार, बातें कर यार बेइज्जती यार इसकी बेइज्जती। चलो अभी रात हो रही है, ठंड हल्का हल्का आ रहा ठंड, तो हम चलते सीधा घर और घर जाके मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइज अभी 9 बज गए हैं, 9:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं आ गया था से खा पू के आ गया था यहाँ पे, चाय थोड़ी सी पापा की मतलब बच्ची भी थी वही पिया मैंने। और आज का दिन कुछ ऐसा था, मतलब मैं प्रैक्टिस का बता देता हूँ क्योंकि मैंने जो जो प्रैक्टिस पे किया आज मैंने पूरे वीडियो में दिखाई नहीं है ना, तो मैं इसलिए बता देता हूँ। पहले जाती वो किया, फिर हमने रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए मतलब वो होता है ना रन भागे, मैंने पिच पे रन भागे मतलब जो पिच है उसमें 3 रन ले लें, एक हेट में 9 रन होंगे, मतलब एक यहाँ से स्टार्टिंग बैटिंग मार के एक रन यहाँ से, 2-3 हो गए, 3 से 3 करने 9, मतलब 3 सेट करने 27 रन हमने टोटल ऐसे भाग के लेने 27 रन। तो ये किया पहले, फिर मैंने थोड़ी शेडो मैंने की बैक फुट की, मैंने थोड़ी शेडो की, उसके बाद आपने बैटिंग की वीडियो देख ली होगी मैंने बैटिंग की, फिर उसके बाद हमने थोड़ी आज फील्डिंग की है, कीपिंग आज थोड़ी नहीं की हमने, थोड़ी फील्डिंग पे वर्क किया आज, तो तुमने आज फील्डिंग के बाद थोड़ी प्रैक्टिस होने का थोड़ी हंसी मजाक जैसे रोज होती है तो वैसी हंसी मजाक हुई। फिर हम आ गए घर, घर आके खा के मैं आ गया था दुकान पर, फिर जो आपने देखा। तो आज का दिन कुछ ऐसा था, तो अभी होगा 6 बजे फिटनेस में जाना है ग्राउंड पे। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय। यार बहुत पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, यहाँ तो गर्मी पड़ चुकी है।